वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अब हम दोबारा स्टार्ट करें हमारे 11th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें दो ज्योग्राफी है हमारी। एक में हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के बारे में, ठीक है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है, और दूसरा हमारा पढ़ेगा वर्ल्ड का फिजिकल और फिर जो भी है। तो 11th में हमारी दो बुक्स हैं, एक इंडिया का फिजिकल है, एक ऑल अबाउट द इंडियन, मतलब इसकी दो बुक्स हैं जो भी हैं। अब हम पहले इंडिया का फिजिकल वाला करते हैं, ठीक। तो इसका यूनिट नंबर वन यानी कि चैप्टर नंबर वन, जिसे हम बात करेंगे इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, जो हमने 6th से लेके 10th तक का किया है ना, उसका एक प्रॉपर एंड डीप रिविजन होगा और ये लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो एक एक चैप्टर हो सकता है 2 या 3 वीडियो में डिवाइड कर दूँ, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को मैं प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड यू नो, अगर आप सीरियस दे रहे हो तो जस्ट नीड टू गो विद लाइक, अगर आप चाहो 11th का तो करना ही करना है, 9th, 10th, 11th का तो फोर्स शो करना है एनडीए सीरियस वालों को। बट जो सीपीएफ दे रहा है, आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड करूंगा कि उसको 12th की भी देखनी है, ठीक। अगर आप सीरियस दे रहे हो और पहले आप सीपीएफ दे रहे हो, स्टिल गो फॉर इट, एंड आई एम श्योर दे भी रहोगे। अगर आप सीरियस दे रहे हो तो सीपीएफ दे भी दोगे, तो फिर 12th वाली कंपलसरी है, ठीक। और इनफैक्ट जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ ना, ये पूरा एनडीए सीरियस एंड सीपीएफ के लिए नो मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, और सारा एनसीईआरटी है, सबसे बड़ी बात है। खैर, अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया की लोकेशन के बारे में, इस चैप्टर नंबर वन की बात करेंगे, ठीक। और ये बुक नंबर वन है 11th क्लास का इंडियन फिजिकल। चलो, तो यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस, दिखाऊं ये रहा। चलो, सो नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया, सो मेक द सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स क्या है। अब देखो, बात करते हैं द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड क्या करती है फ्रॉम आपको। सो द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, ऊपर से नीचे यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा, इन कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक, एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, गुजरात इन वेस्ट में हमें पता है। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक। टेरिटोरियल जो लिमिट है वो 12 नॉटिकल माइल है, नॉटिकल माइल एंड 219 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है हमारा, 1.8 किलोमीटर था अप्रॉक्स, ठीक, फ्रॉम द कोस्ट। और नदन बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 degrees 45 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल में, ठीक। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इंप्लिकेशंस ऑफ हैविंग सच अ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड एक्सटेंट। इफ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 degrees। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे ऊपर हमारा कितना है, 8 degrees 4 minutes, सॉरी 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 क्या बोलूँ, ऊपर हमारा 37 degrees 6 minutes, ठीक। इधर हम यहाँ तक की बात करें, सिर्फ इस पॉइंट तक, तो है ये 8 degree, कलर चेंज करता हूँ, ये 8 degrees 4 minutes। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें निकोबार, तो लास्ट तक जो हमारा ग्रेट निकोबार पे हमारा जो है इंदिरा पॉइंट, वो हमारा 6 degrees 4 minutes पे है ना, 6 degrees 4 minutes बताया था, 45 minutes, हाँ 6 degrees 45 minutes, ठीक। अगर हम बात करते हैं इंक्लूडिंग दिस आईलैंड, ठीक, अदरवाइज अगर लैंड की बात करें तो हम 8 degrees 4 minutes है। वेस्ट में हमारा कितना है, 68 degrees 75, और इधर है हमारा 97 degrees 25 minutes, ठीक। यही है ऊपर कन्याकुमारी है, नीचे सॉरी ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, इधर गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है। पॉइंट्स की बताऊं तो इंदिरा पॉइंट ऊपर है, इधर है गारमोता, वेस्टर्न पॉइंट हमारा, ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबदू बालांगू में, ठीक, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में, और सदर मोड हमारा क्या है, कैप कमोरी, फिर कन्याकुमारी, ठीक। कन्याकुमारी का पुराना नाम ही था कैप कमोरी, खत्म। आपको पता है इधर से अगर 97 में से इतना घटाओगे तो अराउंड 30 degrees आएगा, ठीक, यानी कि 5.5 घंटे हम आगे हैं। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे जो हमारा दुनिया है, इधर अगर इंडिया आ रहा है, ठीक, तो यहाँ से जो ग्रीनविच लाइन निकलती, इससे हम 5.5 घंटे तेज चलते हैं, ठीक। बस यही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा। सो वेयर इज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, एक्सट्रीमिटी इज 3214। देखो ऊपर से नीचे हमारा डिस्टेंस कितना है, 3214, और इधर से उधर कितना है, 2933। बस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी इज 3214 एंड नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2933, यानी कि हमारा नॉर्थ टू साउथ
स्टेंट ज्यादा है. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, अब इसके बारे में बात करेंगे. ऊपर देखते हैं और यहाँ से ये रहा. हाँ जी, तो अभी उसकी प्रैक्टिकल बुक हम पढ़ेंगे तब देखेंगे. दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिग्रीज होता है टूवर्ड्स द पोल्स, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेटीट्यूड्स रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. आप देखो, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. जैसे ये ऊपर नहीं पड़ेगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये जो ऐसी खड़ी पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश. आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, इधर मैं आपको बस डिफाइन कर रहा हूँ. ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ जी, तो ऊपर है नॉर्थ पोल, हमारा नीचे साउथ पोल. ठीक है, तो पोल टू पोल जो कनेक्शन होती है लाइंस, ठीक है, ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूड्स. ओके, तो देखो जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं हिंदी में, और इनको बोलते हैं अक्षांश, आपको पता ही है. तो इनके बीच में डिस्टेंस देखो हमेशा बराबर रहेगा. ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आप डिस्टेंस देखो, इनका डिस्टेंस बीच हमारा क्या, एक इक्वेटर होता है 0 डिग्री वाला. तो ऊपर से नीचे आने पर 0 डिग्री पर इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है. ठीक, उसके बाद घटता जाता है. तो इनका जो बीच में गैप है ना, एक फिर दूसरी जो होगी, जैसे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, फिर एक और आएगी इन तीनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये बहुत बेरी करता है. ठीक है, यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, लेकिन अक्षांश रेखाएं के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है. गॉट इट, यही बता रखा है उन्होंने. सो फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नदर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन. ठीक, एंड दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स क्लाइमेट सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री. अगर आपको मैं इसमें समझाऊं तो इसको मैं पहले बता देता हूँ. आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है, इंडिया में. ठीक, अब उसी से हमने समझना ये सब. टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का. तो आपको पता है 23.5 ऊपर नॉर्थ से लेकर 23.5 23.5 नीचे साउथ तक, तो जो भी होता है वो आपका क्या होता है, बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल होता है, और उससे ऊपर नीचे का थोड़ा एरिया वो सब ट्रॉपिकल है, फिर ट्रॉपिक्स का जोन आ जाता है. ठीक, तो हमारा 23.5 यहाँ से पास हो रहा है, तो ये नॉर्थ और साउथ में बांट दिया इंडिया को. तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन. क्यों? क्योंकि इसके नीचे कहीं जा रही होगी 0 डिग्री, उसके नीचे जा रही होगी 23.5 डिग्री साउथ. तो ऊपर 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक का बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, उससे ऊपर इस एरिया को बोलते हैं हम सब ट्रॉपिक्स. ठीक, वही बता रहे हैं. और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इधर हमारा बहुत ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट से हमारे ईस्टर्न घाट, ठीक, अरावली नर्मदा की जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक, महादेव वगैरह वगैरह, तो इन सब की वजह से बारिश होती है. ऊपर आपका देखो, फिर क्लाइमेट देखो, ऊपर सर्दी विंटर्स में, अभी देखो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रखी होगी. ठीक है, इधर ठंडी हवाएं चल रही हैं, सेम इधर, फिर इधर देखो, इधर नीचे आओ गर्मी लगेगी आपको. ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट वेरिएशन किस लिए, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, लैटिट्यूड्स की वजह से. सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन पीपल. सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, अक्षांश के सॉरी देशांतर के हिसाब से देखें हम, इट इज क्वाइट डिसरेनेबल एंड देर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज विच कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 hours between the eastern most and the western most part of the country. आपको बता चुका हूँ पहले कि इधर से इधर 2 घंटे का डिफरेंस रहता है. अगर सुबह 5 बजे यहाँ सूर्य निकल रहा है तो इधर सूर्य निकलेगा 7 बजे अप्रॉक्स. ठीक, सो यू आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन IST, आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कहाँ से निकलती है. अच्छा, काम करता हूँ उसको ना, जस्ट ऊपर निकलती है. ठीक है, 82.5 डिग्री कौन से स्टेट से, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, सॉरी ये ध्यान रखना बिहार से निकलती है, यूपी, एमपी,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। रट लो, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 स्टेट से निकलती है हमारी 82.5 डिग्री, यानी कि प्रधान हिमोत्तर रेखा हमारी जो भी है। ठीक, तो योर फैमिली विद द आईएसटी। सो व्हाट इज द यूज ऑफ आईएसटी? वेल, द सन राइज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स अबाउट 2 घंटा पहले एज कम्पेयर टू जैसलमेर। सो द वॉचेज इन डिब्रूगढ़, इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया सो द सेम टाइम दिखाती है, इस यहाँ पे काम आता है आईएसटी। क्यों भैया? देखो, सॉरी यार, ठीक है, बीच में है ना, तो इधर से 1 घंटा जो है और इधर से 1 घंटा जो है, हमने इनको ना एक बीच में लाइन मान ली कि ये हमारे पूरे देश में इस लाइन के अकॉर्डिंगली टाइम चलेगा। तो इधर जब 5 बज रहे होंगे उसी टाइम पे 5 इधर भी बज रहे होंगे, ठीक है, ऐसे बता रखा। सो देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड दैट इज व्हाई 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट, ये पीवाई क्यों हमारा, हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम वाइज 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक, देर आर सम कंट्रीज वेयर देर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू देर वास्ट ईस्ट टू वेस्ट फास्ट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के पास कितनी है? 7 टाइम जोन है। आप बताओ रशिया में कितनी है? आई गेस 11 है, आप बताओ, कंफर्म करो कितनी है। क्या जो मैंने आपको बता चुका है मैप में, वो मैप यहाँ पे आ रखा है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे। ये पढ़ते हैं हम, नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस, बता चुका हूँ आपको, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। रट लो, क्वेश्चन ये बचाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ से निकलती है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ से नहीं निकलती है। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का एरिया है, अकाउंट फॉर 2.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन से हम आते हैं। 100% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिसकी, उसमें अप्रॉक्स 2.4% हम लोग आते हैं, ठीक है, इंडिया आती है। वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया एंड स्टैंड्स एज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बताऊँ तो, आप बताओ। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, 3 4 5 6 7 8, 7वां हमारा इंडिया। ये एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल में मैक्सिमम टू मिनिमम कि सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका है। रट लो, आप ट्रिक बना लो अपने हिसाब से, कोई भी लिख लो। सबसे बड़ा देश है हमारे दुनिया में रशिया, कनाडा, फिर हमारा चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ये हमारा सीरीज है रट लो। ठीक, चलो अब साइज की बात करते हैं। सो द साइज ऑफ इंडिया हैज इंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, दस यू में अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लोफ्टी, हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स मिलेंगे नॉर्थ में, ठीक है, लार्ज रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी वगैरह वगैरह, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स मिलेंगी एंड नॉर्थ जो कि नॉर्थ ईस्ट में है एंड साउथ इंडिया में है, एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थली डेजर्ट आपको पता है हमारा थार। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदुकुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट में है जो हमारा पूर्वांचल हिल्स कहाँ है हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ इट फॉर्म्स अ ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट इन इट इंक्लूड्स द कंट्रीज लाइक कौन कौन सी कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया इन कंट्रीज निकलता है। सो द हिमालयाज टूगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासिस सच एज खैवर, बोलन, शिपकिला, नाथुला एंड बोमडिला। आपको पता है खैवर आएगा सिंध में है, बोलन भी उधर ही है और शिपकिला आपका हिमाचल में है, और नाथुला और नाथुला का सिक्किम में है और बोमडिला का अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ऐसे मैं आपको और बता दूंगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट, इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir से कन्याकुमारी, आप कन्याकुमारी जब आप जाओगे, you will get to know, and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur.
अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक। दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर। ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का है ना, ऊपर ऐसे मिजोरम तक का 6100 किलोमीटर तक का इसका वो है इन द मेन लैंड, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें हमारे जो आइलैंड लक्षद्वीप इधर हमारा और इधर अंडमान निकोबार मिला लूँ तो बन जाता है 7517 किलोमीटर। तो याद रखना, अगर हमने आइलैंड को नहीं मिलाया तो 6100 है और मिला लिया तो 7517 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ आइलैंड का डिस्टेंस कितना है 1470 किलोमीटर। गॉट इट? इन द एंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट ऑफ मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, दस इंडिया एज अ कंट्री इज अ फिजिकल डाइवर्स एंड लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेरिड रिसोर्सेज। इंडिया एंड इट्स नेबर्स की बात करते हैं तो एग्जामिन द लोकेशन ऑफ मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड ऑन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ऑब्वियसली बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड उधर हमारा अरेबियन सी। सो दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी, एयर एंड एयर रूट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसीडरिंग अ मैप। श्रीलंका एंड मालदीव आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर आर नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाकिस्तान। जस्ट अ सेकंड। सो देखो यार, डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड स्टेट बता रहा है। तो इफ आई टेल यू इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो देखो हाँ जी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे ये हमारा इंडिया है, ठीक, लेट मी चेंज द कलर, और इधर हमारा श्रीलंका। तो एक तो गल्फ, एक गल्फ और स्टेट का बेसिक डिफरेंस समझ लो। गल्फ नेचुरली अकर होती है, ठीक, और स्टेट हमारी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियली बनाई भी जा सकती है, ओके। अब बात करते हैं गल्फ की मेन डिफरेंस की। तो गल्फ जनरली क्या करती है, कनेक्ट करती है वाटर एंड लैंड बॉडीज को, ठीक। जबकि स्ट्रेट क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, और बट एक इसमें वो रहता है कि जो वाटर बॉडीज होगी जनरली वो नैरो होती है, ठीक। ये मेजर डिफरेंस है। तो इसमें देखो, इंडिया और उसके श्रीलंका बीच में एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक, और एक है हमारी स्टेट ऑफ सॉरी पाक स्टेट। अब ये पाक स्टेट क्या, एक नैरो वाटर बॉडीज है जो इधर इंडियन ओशन का है पोर्ट पानी और इधर हमारा अरेबियन ओशन का, इसको वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया स्टेट पाक स्टेट। लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार क्या कर रहा है, ये हमारा लैंड है यहाँ पर, यहाँ तक आ रखा है जो, और इधर से हमारा ये श्रीलंका का है। तो इसको जो जोड़ता है, ठीक है, लैंड एंड सी रूट को, वो हमारा गल्फ है, ठीक, समझ गया, बस यही डिफरेंस है। So do you think that physical barrier is a hindrance in interaction with our neighboring countries in modern times? I don't think much. Give some examples how we have overcome these difficulties in the present day. छोड़ो। अब ये हमारे चैप्टर का एंड है, ठीक है? ऐसा ये पहले चैप्टर था जो कम लाइक जल्दी खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर लंबा चलेगा, हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो कुछ क्वेश्चन से लगा लेना आप, ऐसे तो लगा ही देता हूँ मैं। Which one of the following latitudinal extent is relevant for the extent of India's area? Latitudinal पूछ रहा है, यानी कि कैसा हमारा अक्षांश रेखा पूछ रहा है। तो 8 डिग्री वाला एक्सटेंड ऑफ इंडिया एरिया, तो 8 degree 4 minute, ओके, और ऊपर 37 degree 6 minute है, तो दैट इज करेक्ट। अब वो ये भी ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 6 degree 45, लेकिन ये कैसा है हमारा, ये हमारा ओशन में भी चला जाएगा पानी, ठीक, ऊपर 37 degree 6 minute, ठीक है। ये दोनों तो ऊपर वाले नहीं होंगे वैसे भी। अगर आप चाहो तो ये 6 degree 45 minute, 37 degree 6 minute, ये हमारा लैंड वाला है सिर्फ, मतलब हमारा जो इंडिया मैप है
यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है, ये है हमारा 8 डिग्री वाला, ठीक। लेकिन ये 6 डिग्री वाला यहाँ तक, जो हमारा है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ से लेके ऊपर 7 डिग्री तक, तो ये दोनों ऐसे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? देखो पाकिस्तान नहीं करता है, लोग चाइना मानेंगे, चाइना नहीं करता, ना ही म्यांमार करता, हमारा बांग्लादेश करता है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है ना, ऐसे ऐसे ये बाउंड्री बहुत तिरछी है, लेकिन बहुत बड़ी लंबी, सबसे लंबी बाउंड्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? पप्पू भाई याद है आपको? बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? फ्रांस ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ईरान भी नहीं है, इजिप्ट भी नहीं है, तो बचा चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? 82.5 डिग्री ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था उसमें 82.5 डिग्री उधर लगा दिया डब्लू, लोगों ने पहला ऑप्शन ही वो दे दिया, टक से मारा उन्होंने, बस देखा 82.5, खत्म। बेस्ट और ईस्ट देखा ही उन्होंने और बस आंसर गलत, ठीक है। तो वी आर एंड विद आवर चैप्टर नंबर वन, इसमें शायद 7 चैप्टर हैं, चैप्टर टू का आई थिंक मैं 2 पार्ट बना दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर लंबा भी है, उससे भी आई क्यू बहुत सारे रखे। इनफैक्ट 11th और 12th से तो मतलब क्वेश्चन आते आते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीडीएस एंड सीएपी। आपको करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर अबाउट ज्योग्राफी। अगर आपने पढ़ लिया तो आई एम श्योर अबाउट ज्योग्राफी, आप कर जाओगे। कोई डाउट है जन डू व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक, इधर यू विल कमेंट इट। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, ध्यान रखो अपना।